संसार में फिगर दिया है, ऐसी फिगर से आपको सीध करके दिखाना है। फिगर ही कह रहा, देखो खूब बढ़िया समझना, इस तरीके से बनाया गया आपका। ये फिगर यहाँ पर खींचा गया, ये यहाँ पर बिंदु है, यहाँ से यहाँ गया है, इसको ला करके यहाँ पर मिलाया गया है, यहाँ से यहाँ गया है, फिर ला करके यहाँ पर मिलाया गया। और आप देख सकते हैं कि ये शायद दिया गया कि ये जो कोण है इस कोण के बराबर है, यहाँ पर ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। ये वाला मैं कलर कर देता हूँ कि पता चल जाएगा ये दोनों बराबर है, कलर वाला हिस्सा। यहाँ ही, यहाँ पी, यहाँ पी, यहाँ डी, यहाँ ई, ठीक है, ये सब कहानी दिया है। सवाल में कह रहा है दिया गया है, दिया है का दिया है कि कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर है कोण ए बी ई के, ये दिया गया है। और कोण बी पी ए, कोण बी पी ए बराबर दिया गया है कोण डी पी बी, और आपको कहा सिद्ध करना है। सवाल में कहा कि सिद्ध करना है आपको, पहला आपका दिया है कि त्रिभुज डी ए पी सर्गवांशम है त्रिभुज ई बी पी के, पहले तो ये सिद्ध करना है। सेकेंड आपका है ए डी बराबर बी ई, जब सर्गवांशम हो जाएगा तो आपका सिद्ध हो जाएगा। खुद से सोच कर देखो हम लोग इस सवाल को कैसे हल करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन आपके पास है ये। हम इसको सिद्ध करने के लिए, हल करने के लिए एक तरीका अपनाएंगे, देखेंगे कहाँ बी ए, देखो ये बीच में डी यहाँ पर है, बी ए डी, देखो बी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, तो ये जो कोण है कोण ए बी ई, देखो बी बीच में दिखा रहा है, ए बी ई यानी बी के बराबर है, कोण बी पी ए, देखो बी यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, देख रहे हो, और ए कहाँ है, जैसे बी बी पी ए बराबर डी पी ए, यानी बी और यहाँ पर पी है और यहाँ पर ए है, ठीक है। एक मिनट में रुक जाओ, कोण ई पी ए दिया है, समझ रहे हो ना, यहाँ पर ई है, ई पी ए बराबर डी पी जी, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ कोण ई पी ए है, देखो ध्यान से, देखो ई यहाँ ऊपर है, पी यहाँ पर है, अगर ई पी ए की बात कर रहे हैं तो ई यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, इस कोण की बात कर रहा है, इस कोण की, और एक है डी पी बी, देखो डी यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो डी पी बी की बात कर रहा है। चलो ये तो बात दिया हो गया, क्या आपको सिद्ध करना है, देखो आपको सिद्ध करना है डी ए पी कहाँ है, देखो डी यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, यानी आपको ये त्रिभुज लेना है, कौन ए की, ये त्रिभुज आपको लेना है जो मैं बना रहा हूँ ये वाला, ठीक है ये वाला, और एक ई बी पी, ई बी पी, ई यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, एक आपको ये त्रिभुज लेना, देख लीजिए ध्यान से, ये दोनों त्रिभुज आप ले करके हल करें। कुछ बातें मैं बता दूं कि इन दोनों त्रिभुजों में आपके दो कोण बराबर दिखाई देने, ये कोण देख रहे, जब ये त्रिभुज आप ले रहे हैं ये वाला, तो ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, एक तो मिल चुका है आपको। दूसरा देखो, जब ये मध्य बिंदु है पी, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, यानी इस त्रिभुज में कि ये भुजा ये वाला और इस त्रिभुज में कि ये वाला भुजा बराबर हो जाए, दो तो एकदम बराबर हो गए। और तीसरा जानते हो, तीसरा देखो, आप ये जब त्रिभुज ले रहे हैं तो थोड़ा सा ये बचा हुआ है, ये वाला हिस्सा बचा है ना, अगर हम क्या करें ई पी बी इसमें भी जोड़ दें, कौन ई पी बी, याद करो कौन जोड़ना है, हाँ तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा ये वाला हिस्सा,
ठीक है। तो पहले आप जो त्रिभुज आप देख रहे हैं, मैंने आपको ऐसा बनाना है, ठीक है ना, कि जो ये त्रिभुज आप लें तो यहाँ से ए कोण आपको प्राप्त हो जाए। तो यहाँ से ई पी और डी जोड़ दीजिए, ई पी डी जोड़ देंगे तो ये वाला केवल आ जाएगा, ठीक है। और ये भी कोण है, केवल अगर ई पी डी जोड़ दें तो ये भी कोण आपका हो जाएगा, यहाँ से ये त्रिभुज का कोण यहाँ से बन जाएगा। तो पहले दो त्रिभुज आप लेते हैं। देखो हमेशा जब भी सिद्ध करना होगा, जब ये आपको दिखाई देगा क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है और ये सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना होता है वो त्रिभुज को हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर ले लेंगे सिद्ध में, इसमें लेंगे आप सिद्ध में, या इसी को हम लोग प्रमाण भी कहते हैं। और क्या लेना है बाबू, दो त्रिभुज लेना है, त्रिभुज डी ए पी और त्रिभुज किसमें, ई बी पी में, ई बी पी में ले लिया आपने। एक तो कोण एकदम सामने दिखाई दे रहा है कि जब ये त्रिभुज आप ले रहे हैं, ये वाला दिख रहे हैं जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया, माने कि ये वाला और ये वाला जब ले रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो कोण है इस कोण के बराबर, यानी कोण आपके पास जो दिया गया बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर है कोण ए बी ई के, ए बी ई के। ये सवाल में क्या किया है, दिया है क्या है कौन, एक ए की बात हो रही है यहाँ पर है और एक बी की बात हो रही है यहाँ पर, देखो एक ए की बात हो रही है एक बी की बात हो रही है, ये दिया है। और जब पी मध्य बिंदु है तो ए पी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी पी, ये क्या है मध्य बिंदु है, माने मध्य बिंदु पी है, मध्य बिंदु पी है। तो जो भी मध्य बिंदु होता है तो इसके अगल बगल की भुजाएं क्या होती है, बराबर। अच्छा आप सुनो, यहाँ पर दिया है कोण ई पी ए, ई पी ए बराबर कोण डी पी बी, डी पी बी ये दिया है ना। देखो यहाँ पर है हमको ये पूरा कोण चाहिए, तो दोनों तरफ आप ये वाला हिस्सा जोड़ दीजिए, ये वाला कोण दोनों तरफ क्या करिए, ये वाला कोण जोड़ दीजिए। तो लिख लेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में कोण ई पी और डी जोड़ने पर, जोड़ने पर तो कोण ई पी ए है, इसमें आप कोण ई पी डी को जोड़ रहे हैं, यहाँ भी कोण डी पी बी है और इसमें आप कोण ई पी डी को जोड़ रहे हैं। अब बताओ जरा सोच के देखो, ई पी ए है, ई पी डी है, देख रहे हो ना, ई पी क्या है, ए है, ये वाला हिस्सा है आपका, ये कोण और ये कोण, जब जोड़ दोगे तो पूरा ये कोण आपके पास आ जाएगा, कौन कौन आ जाएगा, ये पूरा यानी ए पी डी आ जाएगा, कोण ई पी डी बराबर कोण, इसमें क्या जोड़ रहे हैं, डी पी बी है, डी पी बी है आपके पास, देखिए डी पी बी है, तो डी पी बी यहाँ पर है, देखिए डी पी बी यहाँ पर है, इसमें जोड़ें तो पूरा ये कोण आ जाएगा, पूरा ये कोण आ जाएगा, यानी ई पी बी लिख सकते हैं, कोण ई पी बी। अब देखिए आपके पास क्या क्या होगा, एक कोण यहाँ पर है, एक कोण यहाँ पर है, एक भुजा यहाँ पर है, बराबर हो गया ना, आप लिख सकते हैं त्रिभुज डी ए पी सर्वांशम हो जाएगा, त्रिभुज किसके, ई बी पी के, समझ रहे हो, और किससे, किससे, एंगल साइड, एंगल सभी सर्वांशम हो गया, सेकेंड वाला भी सीध हो जाएगा, ए डी बराबर बी ई, आप ए डी देख ही रहे हैं, ए डी यहाँ पर है, देख रहे हो ये वाला ए डी है और बी ई ये वाला है, जो त्रिभुज दोनों सर्वांशम हो गया तो बराबर हो जाएगा ना, तो लिख सकते हैं ए डी बराबर बी ई, और यहाँ पर लिख सकते हैं इति सिद्धम, इति सिद्धम यमरांशम। तो आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इधर सुनो सब लोग, एक बड़ा सवाल कर दीजिए, सवाल नंबर 7 आपके पास है, सवाल में ही कह रहा है, देखो ये चित्र आपके पास बनाया गया है, यहाँ ए, यहाँ पी, यहाँ बी, यहाँ डी, यहाँ पर ई, जो भी नामांकन है हमने इसको कर दिया, ठीक है। और क्या दिया है, देखो दिया है आपकी किताब में मिल जाता है, दिया है ना कि बी ए डी बराबर ए बी ई, बी ए डी ए बीच में है, तो देखो ए यहाँ पर है तो यहाँ का जो कोण है, और ए बी ई बी यहाँ पर है, यहाँ के कोण दोनों बराबर है, दोनों आपके क्या है, बराबर है, बराबर का चिन्ह दिया है, बराबर है। कोण ई पी ए, देखो ई यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, फिर यहाँ पर एक और कोण दिया है, ये वाला कोण की हम बात कर रहे हैं, कोण ई पी ए
पी बीच में है, दिख रहे हैं, तो पी की बात करेंगे। यहाँ डी पी बी, तो डी यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ठीक है। तो आप किस कोण की बात कर रहे हैं? सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? केवल इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने डी पी बी की बात करता, केवल इतना आ गया। और आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज डी ए पी कहीं है आपके पास? डी ए पी, देखो इस त्रिभुज की बात हो रही है डी ए पी, और सर्वांशम में त्रिभुज ई बी पी के, देखो ये यहाँ पर है, बी यहाँ पर, पी इस त्रिभुज के बराबर कर रहा है। और फिर आपको कह रहा है कि ए डी बराबर सिद्ध करना है बी। ए डी कहाँ है? देखो ये यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, इस ए डी की बात कर रहा है, ये भुजा और ई बी यहाँ पर है, ये भुजा बराबर होंगे। तो आपको बताए थे कि जब भी सर्वांशम को सिद्ध करना है, जो त्रिभुज दिया होता है उस त्रिभुज को हम लोग ले लेते हैं सिद्ध या प्रमाण में। त्रिभुज डी ए पी जो यहाँ पर लिखा गया है, और त्रिभुज ई बी पी में जो यहाँ पर लिया गया है। तो देखो डी ए पी कहीं है आपको? देखो डी यहाँ पर है बाबू, ये यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, ये वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं, और ये ई यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, फिर ए पी ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं। दोनों त्रिभुज में देखो ये त्रिभुज आप ले रहे हैं तो यहाँ पर कोण ए ए आ रहा है, ये त्रिभुज ले रहे हैं तो कोण बी आ रहा है, और दोनों आपके सवाल में दिया गया है। तो वही जो दिया गया है कि कोण बी ए डी, देखो बी यहाँ पर है, समझ रहे बात को, बी ए डी देख रहे हैं ना, कोण बी ए डी कोण ए बी ई के क्या है, बराबर है। ये लिख दिया गया है जो जो भी आपके पास दिया गया, ये वाला कोण यहाँ पर है और बी वाला कोण यहाँ पर है, दोनों बराबर आपके हैं, यहाँ पर लिख दिया गया दिया है। देखो पी मध्य बिंदु है, तो जब कोई भी रेखा का मध्य बिंदु होता है तो इसका अगल बगल ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर हो जाएंगे। तो देखो आपको लिख दिया गया कि ए पी बराबर बी पी, ए पी बराबर बी पी। फिर आपका दिया गया कि देखो यहाँ पर ई पी ए, ई पी ए बराबर डी पी बी, तो ई पी ए आखिर है कहाँ, खोजो यहाँ पर, देखो ई यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, केवल इस कोण को दिया गया है, केवल इस कोण को दिया गया है। और फिर डी पी बी है, देखो डी यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो ये कोण की बात कर रहा है, केवल ये दिया गया और ये दिया गया। लेकिन आप जरा सोच कर देखिए, जब आप ये त्रिभुज आप ले रहे हैं डी ए पी, तो त्रिभुज तो यहाँ तक है, कोण सिर्फ यहीं तक है, तो आप क्या किए हैं कि ई पी डी यानी ये वाला हिस्सा को आप जोड़ दिए हैं। देखो यहाँ पर लिखा गया है दोनों पक्षों में ई पी डी को जोड़ने पर, ई यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, डी क्योंकि त्रिभुज है तो भुजा यहाँ पर है, कोण सिर्फ यहाँ तक है, इसको तो कोण को यहाँ तक आना चाहिए, तो आपने क्या किया यहाँ पर ई पी डी को जोड़ने पर, तो पहले से आपको उपस्थित है ई पी ए, आपने लिख दिया, इसमें ई पी डी को जोड़ दिया। फिर देखो डी पी बी है, यहाँ डी है, यहाँ पी है, ये बी है, देख रहे ना, डी पी बी यहाँ सिर्फ इतना कोण दिया है, लेकिन आपने त्रिभुज तो लिया है पूरा, तो ये कोण यहाँ तक जाना चाहिए, इसमें भी आप ई पी डी को जोड़ दिए हैं, तो इसमें भी ई पी डी को आपने क्या किया, जोड़ दिया। अब जरा सोच के बताओ कि जब आपके पास ई पी ई ए है, देखो यहाँ पर ई है, यहाँ पी है, यहाँ ए है, केवल ये कोण की बात कर रहा है, और जब आपके पास ई पी डी है, देखो ई यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, इसकी जब ये पूरा जोड़ोगे तो आपको क्या बन जाएगा मालूम है? जब आप पूरा जोड़ देंगे, ये वाला कोण है और ये वाला जोड़ देंगे तो आ जाएगा ना आपके पास ए पी डी आ जाएगा ना, पूरा ये कोण आ जाएगा ना, तो वही लिखा गया है ई पी डी। देखो ई पी डी लिखा गया, ई यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, ई पी डी मत लिखना, ए पी डी लिखना है, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ए पी डी लिखा जाएगा। अब एक आ गया, देखो डी पी बी, देखो डी यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ये कोण की बात कर रहा है, और फिर आपके ई पी डी, देखो ई यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, एक तो ये कोण जोड़ा है, एक ये कोण जोड़ा है, माने ये कोण अगर जोड़ रहे हैं और ये कोण, तो पूरा जोड़ा आ जाएगा तो कहा आ जाएगा ई पी बी हो जाएगा, वही ई पी बी लिख दिया गया। तो आपके पास आपने देख लिया कि दो कोण बराबर हो गए यहाँ पर, दोनों त्रिभुज में हो गए ना दो कोण, देखो यहाँ कोण के चिन्ह ये भी कोण के हैं, दो कोण बराबर हो गए और एक भुजा बराबर हो गई, ये कोण मत गिनिए क्योंकि इसी को आपने हल करके इतना लाया, तो दो कोण बराबर हो गए, एक भुजा बराबर हो गई, तो दोनों त्रिभुज जो आप ऊपर लिए थे डी ए पी और त्रिभुज ई बी पी दोनों क्या हो गए, सर्वांशम हो गए, किससे, एंगल साइड एंगल से, क्योंकि आपके पास दो एंगल बराबर किए हैं, और उसके बाद से जो ये भी सीध करना है ए डी बराबर आप बी लिख देंगे, इस प्रकार इसको आप सीध कर सकते हैं, समझ में आया, तो आप इसको नोट करिए।